Non-stop 100. बीजेपी ने बिहार चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा में मारी बाजी। जारी की पहली सूची में 43 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची में पहले चरण में 19 उम्मीदवार, दूसरे चरण में 15 उम्मीदवार, इसके साथ 9 उम्मीदवारों को बाकी चरण के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का मौका। बीजेपी का दावा, उम्मीदवारों की पहली सूची में 50% युवाओं को दिया गया मौका। ओबीसी कोटे से आते हैं युवाओं की लिस्ट में शामिल 60% उम्मीदवार। मांझी और पासवान के बाद बीजेपी की तीसरे सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी से हुए नाराज। प्रवक्ता से कहा, जब सीटों के तालमेल पर बातचीत चल रही थी तो ऐसी स्थिति में सूची जारी करना गठबंधन धर्म के खिलाफ। बीजेपी सहयोगी एलजेपी में भी विवाद की खबर। वैशाली से एलजेपी सांसद रामा सिंह ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। पार्टी में उपेक्षा से थे नाराज। आज तक की महापंचायत में सीएम नीतीश कुमार का पीएम मोदी पर निशाना। बोले, अटल बिहारी के राजधर्म से अलग राह पर चल पड़ी है बीजेपी, बढ़ गया है सत्ता का लालच। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा, जंगल राज के मुद्दे पर किसी से भी चर्चा को तैयार हूं। सरकारी आंकड़ों में अपराध के मुद्दे पर निचले पायदान पर है बिहार। सीएम नीतीश से पहले एनडीए का हिस्सा रहने पर दी सफाई। कहा, साल 2014 में अपनी मूल विचारधारा पर लौटी बीजेपी तो कर लिया किनारा। सीएम नीतीश ने कहा, विशेष पैकेज खोले पीएम मोदी की पोल। फिर उठाया विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा। नीतीश ने केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद पर किया सीधा वार। कहा, कॉल ड्रॉप का उठाओ मुद्दा तो कहते हैं राज्य से ही ड्रॉप करा दूंगा। आज तक की महापंचायत में बोले लालू यादव, किशमिश खा जाने वाले लोग मुझ पर चारा खा जाने का लगाते हैं आरोप। लालू यादव ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, दशहरे के दौरान बिहार में दंगा कराने की फिराक में है बीजेपी। जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने का भी मुद्दा लालू ने उठाया। ये भी कहा, तिरंगे की जगह देश में भगवा फहराने की फिराक में है पीएम मोदी। लालू यादव ने कहा, मानसिक गुलामी से आजादी मिली तो आर्थिक गुलामी से आजादी खुद ब खुद आ जाएगी। लालू ने उठाया मुद्दा, मुंबई में ऑटो परमिट के लिए मराठी भाषा जरूरी क्यों। कहा, बीजेपी दे जवाब। असदुद्दीन ओवैसी से खफा नजर आए लालू। कहा, बिहार में उनका क्या काम। बोले, हमारी सेक्युलर बगिया में हिंदू मुस्लिम कट्टरपंथियों की जगह नहीं। आज तक पंचायत में एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी आरएसएस को हराने के लिए सबको आना होगा साथ। ओवैसी का दावा, सीमांचल के मुसलमान हैं पिछड़े हुए, चुनाव के लिए नहीं की कोई डील। आज तक की पंचायत में बोले असदुद्दीन ओवैसी, आरएसएस बीजेपी है दुश्मन नंबर एक। कहा, राजनीतिक लड़ाई को बनाना चाहता हूं व्यक्तिगत। कहा, शादी में भी नहीं दूंगा पीएम मोदी को न्योता। पटना में लालू के बेटे तेजस्वी और पत्नी राबड़ी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव के लिए जनता को जागरूक करने निकलेंगे। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने कहा, महागठबंधन में आने की गुंजाइश अब भी बाकी। पंचायत में शाहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार पर लगाया धोखा देने का आरोप। गठजोड़ से अलग होने का जवाब देगी जनता। महागठबंधन से समाजवादी पार्टी के अलग होने पर आज तक पंचायत में रघुवंश प्रसाद ने कहा, सीटों के बंटवारे पर सलाह नहीं लेना थी गलती। चिराग पासवान ने कहा, कभी भी सीटों की संख्या पर नहीं अड़ी पार्टी, लेकिन जैसा कहा गया था वैसा नहीं होने से थी परेशानी। दिल्ली में आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। एजेंडे पर होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना। देशभर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर अथॉरिटी बनाना और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से जुड़ा अध्यादेश भी कैबिनेट के एजेंडे में होगा शामिल। कश्मीर में अलगाववादी नेताओं ने आज बुलाया है बंद। घाटी में आतंकियों के शव मिलने को अलगाववादी नेताओं ने बताया सेना की साजिश। चंद रोज पहले घाटी में मिले थे 3 आतंकियों के शव, गोली लगने से हुई थी मौत। अलगाववादियों के मुताबिक बेकसूरों को सेना ने मारी गोली। आज जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे संबोधन। पत्नी पर शारीरिक शोषण और दहेज उत्पीड़न के आरोपी सोमनाथ भाटी आधी रात पहुंचे थाने, 40 मिनट तक रहे द्वारका के थाने में। रात करीब 2:10 पर थाने पहुंचे सोमनाथ, 2:50 पर थाने से निकले, नहीं हुए डीसीपी या जांच अधिकारी से मुलाकात। सोमनाथ भाटी ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मेरे खिलाफ वारंट का मकसद जांच नहीं, मुझे बेइज्जत करना था। 2 दिन बाद पुलिस के सामने आए सोमनाथ भाटी ने कहा, मैं कानून से भागा नहीं, हाईकोर्ट के फैसले का कर रहा था इंतजार। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी पर 48 घंटे के लिए लगाई थी रोक। गुरुवार को फिर होगी मामले की सुनवाई।
यूपी के सीएम अखिलेश यादव की जागरूकता से पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सीएम के व्हाट्सएप पर आए मैसेज के बाद पकड़े गए 1 करोड़ रुपए कैश। सीएम अखिलेश के पुलिस को जानकारी देने के बाद लाल बत्ती लगी, संदिग्ध गाड़ियों का किया गया पीछा। 7 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद बीएसपी नेता की गाड़ी से मिला कैश। दिल्ली में डेंगू ने ली एक और मासूम की जान, श्रीनिवासपुरी में 6 साल के बच्चे की मौत। घर वालों का आरोप, सफदरजंग और मूलचंद अस्पताल में बेड नहीं होने का हवाला देकर लौट आया। होली फैमिली पहुंचते पहुंचते बच्चे की हालत बिगड़ी। दाखिले से इनकार करने वाले 5 अस्पतालों के खिलाफ होगी मजिस्ट्रेट जांच, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आदेश। कोलकाता में सेना के पूर्वी कमान के हेडक्वार्टर के पास सुरंग मिलने से हड़कंप, 20 फीट लंबी और 6 फीट गहरी है सुरंग। बच्चों को फुटबॉल खेलने के दौरान मिली थी सुरंग, सेना ने भरी सुरंग, सेना और पुलिस दोनों ने शुरू की जांच। कर्नाटक की कलबुर्गी में हादसे का शिकार हुई दुरंतो एक्सप्रेस के मामले में शुरू हुई जांच, रेलवे के 20 कर्मचारी जांच के घेरे में। मारतूर स्टेशन के पास हादसे का शिकार हुई थी दुरंतो एक्सप्रेस, हादसे में हुई थी 2 लोगों की मौत, 9 लोग हुए थे घायल। बिहार गया में एंसेफेलाइटिस ने पसारे पांव, जिले में अब तक 4 बच्चों की मौत। पाटीदार समाज की महिलाएं भी आंदोलन से जुड़ी, अमरेली में महिलाओं ने गुजरात के लोक नृत्य के माध्यम से अपनी मांगों के लिए किया प्रदर्शन। राजकोट में भी पाटीदारों ने किया प्रदर्शन, थाली बजाकर पटेल समाज ने किया आंदोलन। राजस्थान की पाक सीमा से सटे जैसलमेर में पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे किसान, कलेक्टर ऑफिस पर किसानों ने किया प्रदर्शन। उत्तराखंड के लालकुआ में शहीद मोहननाथ गोस्वामी के परिवार से मिले सीएम हरीश रावत, सरकार की ओर से दी 10 लाख की सहायता राशि। कुपवाड़ा में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे मोहननाथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से नाराज शिक्षा मित्र, वाराणसी में पीएम के दौरे के दौरान कर सकते हैं हंगामा, यूपी पुलिस की रिपोर्ट। झारखंड के गढ़वा में पुलिस और सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, सानिया के जंगलों में नक्सलियों का 90 किलो बारूद, केन बम और डेटोनेटर किए गए बरामद। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी आईएएस अरविंद जोशी ने भोपाल कोर्ट के सामने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल। झाबुआ ब्लास्ट का आरोपी राजेंद्र कासवा अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर, पुलिस ने पत्नी बेटे और बेटी को लिया हिरासत में। शिमला में तेज बारिश के साथ जमकर बरसे ओले, जल भराव जगह जगह, पारा 8 डिग्री तक लुढ़का। देहरादून में बीच सड़क नशे में धुत होकर हंगामा करने वाली लड़की ने पुलिस पर लगाया आरोप, कहा पुलिस वालों ने छेड़छाड़ की थी उसके बाद किया था हंगामा। पुलिस ने कई धाराओं के तहत आरोपी लड़की पर दर्ज किया मामला, आरोपी लड़की को नारी निकेतन भेजने की तैयारी। हरियाणा के पंचकुला में एक सरकारी स्कूल के टीचर की शर्मनाक करतूत, दूसरी क्लास की छात्रा की बेरहमी से पिटाई करने के बाद काटे सर के बाल। हिंदी दिवस पर हिंदी का एक अध्याय ना सुना पाने के लिए बच्ची को दी सजा, माँ बाप की शिकायत पर उपायुक्त ने दिए जांच के आदेश। पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर में महिला ने अपने पूर्व पति और उसके दोस्तों पर लगाया गैंगरेप का आरोप, पुलिस को आरोपियों की तलाश। दिल्ली के गांधीनगर में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल अनिल कुमार की भीड़ ने की पिटाई, लड़की से जबरदस्ती मोबाइल नंबर लेने की कर रहा था कोशिश। लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करने वाले पीसीआर स्टाफ पर भी भड़के लोग, पीसीआर वैन में की तोड़फोड़। मथुरा में निजी बैंक के ब्रांच मैनेजर पर महिला असिस्टेंट मैनेजर ने शारीरिक शोषण का लगाया आरोप, मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन में 2.5 साल के बेटे का गला घोटकर महिला ने खुद को लगाई फांसी, मरने से पहले लिखा सुसाइड नोट। 34 साल की मृतक महिला विधि चड्ढा ने सुसाइड नोट में लिखा, बीमार बेटी की वजह से थी परेशान, किसी को ना माना जाए कसूरवार। लश्कर के आतंकी आर्मी कैंप और बीएसएफ को निशाना बना सकते हैं, खुफिया रिपोर्ट में खुलासा। जम्मू कश्मीर में सीमा के उस पार अलग अलग जगहों पर लॉन्चिंग पैड पर मौजूद है आतंकी जीपीएस, बायनाकुलर और खतरनाक हथियारों से लैस। इंटरसेप्ट से खुलासा, आतंकवादियों को घुसपैठ करने के लिए आईएसआईएस और हाफिज सईद की निगरानी में ट्रेनिंग। हिजबुल मुजाहिदीन ने फेसबुक पर पोस्ट किया नया वीडियो, 5 आतंकी सेना की वर्दी में घूमते दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक युवाओं को आतंक की तरफ खींचने की कोशिश, मोबाइल पर शेयर किए जा रहे हैं वीडियो। 18 सितंबर को संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, मल्टीपर्पज ग्राउंड में है ई रिक्शा और ई साइकिल वितरण समारोह, बाद में डीएलडब्ल्यू मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित।
यूपी के गोंडा में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने ओवैसी को पिद्दी और मुलायम को लोहियावादी कद्दावर नेता करार दिया। कहा याकूब की फांसी बहाने वालों से नहीं है बीजेपी का नाता। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का फरमान, 1 नवंबर से ऑटो रिक्शा की परमिट के लिए जरूरी किया मराठी भाषा का ज्ञान। कहा आगे मराठी बोलने वालों को ही मिलेगा परमिट। फडणवीस सरकार के ऑटो परमिट फरमान पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने जताया विरोध। कहा दोहरी राजनीति कर रही है बीजेपी, बिहार में कुछ और महाराष्ट्र में कुछ और। कोलकाता में ईस्टर्न कमान सेना मुख्यालय से कुछ दूरी पर मिली सुरंग, 20 फीट लंबी और 6 फीट गहरी सुरंग, खोदने वालों का नहीं चला पता। झारखंड के गढ़वा में मिला हथियारों का जखीरा, पुलिस ने सानिया के जंगल से बरामद किया बड़ी मात्रा में विस्फोटक। गाजियाबाद में भी दिखा डेंगू का कहर, अस्पताल मरीजों से हुए फुल, वेटिंग रूम को भी वार्ड में तब्दील किया गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गाजियाबाद में 500 मरीजों के सैंपल में 60 मरीजों में डेंगू पॉजिटिव, 4 महिलाओं की डेंगू से हो चुकी है मौत। दिल्ली के जनकपुरी में माता चानन देवी अस्पताल में लगी आग, मरीजों में मची भगदड़, गनीमत रही किसी को नहीं पहुंची चोट। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू में पहले जैसी भूमिका में दिखे, मरीजों का किया इलाज, डायबिटीज एक्सपर्ट है जितेंद्र सिंह। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों का यूपी में प्रदर्शन जारी, लखीमपुर खीरी में शिक्षा मित्रों ने किया प्रदर्शन। केरल में एक रेलवे स्टेशन में कचरे पे फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलों का दिखा बेहतर इस्तेमाल, फेंकी गई बोतलों से रेलवे स्टेशन पर दिखी सजावट। छत्तीसगढ़ के बागबाहरा में चंडी मंदिर में हर शाम को दिखता है अनोखा नजारा, पूजा के वक्त अपने अपने बच्चों के संग आता है भालू, प्रसाद खाकर लौट जाता है वापस। केरल के कोथा मंगलम में हाथी के बच्चे को किया गया रेस्क्यू, कुएं में गिर गया था 6 साल का हाथी का बच्चा। यूपी के बाराबंकी में एक नदी से तेल जैसा रिसाव, बना लोगों का कौतूहल, लोगों की उमड़ी भीड़। यूएस ओपन में मार्टिना हिंगिस के साथ मिक्स डबल्स का टाइटल जीतने के बाद लियांडर पेस लौटे भारत, तो एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। फिलहाल बीसीसीआई अध्यक्ष पद छोड़ने के मूड में नहीं है जगमोहन डालमिया, सूत्रों के मुताबिक बोर्ड की एक लॉबी खराब सेहत की वजह से बना रही है उन पर पद छोड़ने का दबाव। आईसीसी अध्यक्ष जहीर अब्बास का बयान, भारत और पाक के बीच क्रिकेट के रिश्ते शुरू करने का यही है सही वक्त। आईसीसी मैच रेफरी रोशन महानामा, इसी साल एलीट पैनल से हटेंगे, निजी कारणों की वजह से कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले ही छोड़ेंगे पद। पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने पहुंचे क्रिस गेल, पोलार्ड और ब्रावो, फरवरी 2016 में होगी पीएसएल का पहला सीजन। विवादित कार्टून के लिए फिर से सुर्खियों में फ्रेंच मैगजीन शार्ली एब्डो, इस बार सीरिया और इराक से पलायन करने वालों को शरण देने पर यूरोपीय देशों पर छापे विवादित कार्टून। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा यूरोपीय देशों में कि प्रवासी संकट पर विश्व के तमाम देशों के साथ तालमेल और सहयोग जरूरी, मानवीय आधार पर प्रवासियों के लिए कदम उठाए जाने को कहा जरूरी। स्लोवेनिया के जिरोनिका में डैम की दीवार पर साइकिल चलाकर तालाब में उतरने के साइक्लिस्ट के कारनामे का वीडियो हुआ वायरल, 44 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं वीडियो। यमन में जारी है शांति का माहौल, तियाज शहर में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों की झड़पों की तस्वीरें आई सामने।